तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है। टिकटॉक ही नहीं, साथ में 59 ऐसे चाइनीज ऐप है जो इंडिया में बैन हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैन होने के बाद टिकटॉक को अपने मोबाइल पर कैसे चलाएं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंडिया में टिकटॉक सही बैन हुआ है, पर जिनको ये लगता है कि इंडिया में टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए था, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेना है। फिर जब डेस्कटॉप साइट पर आपका मोबाइल ओपन हो जाए, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है टिकटॉक ऑनलाइन। टिकटॉक ऑनलाइन आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद जब आपके पास नया पेज ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर टिकटॉक मेक योर डे फर्स्ट वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा, तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा वॉच नाउ। आपको यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक कर देना है। वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद जब आपके सामने नया पेज ओपन होगा, तो उसमें आपको यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पर वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो दिख जाएगी, जैसा कि आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। आप इनमें से कोई भी वीडियो चला सकते हैं और आपको यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस तरह अपना टिकटॉक अकाउंट चला सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।